हेलो दोस्तों, नर्सिंग पल्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं मल्टीपल मायलोमा। जिस किसी ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब कर दिए और आगे आने वाले नए नए वीडियो को देखते रहें। हम आज चर्चा करने वाले हैं मल्टीपल मायलोमा। मल्टीपल मायलोमा ट्यूमर ऑफ बोन, इसको अदर नाम से जानते हैं ट्यूमर ऑफ बोन। ए मेलिग्नेंट डिजीज करेक्टराइज बाई इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन मेरो एंड कैंसीरियस प्लाज्मा सेल्स। मतलब कि ये एक तरह का इन्फ्लामेशन है बोन का और इसमें कैंसर सेल्स प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होती है बोन मेरो के अंदर। इसके बाद में हम देखते हैं ट्यूमर कंपोज ऑफ मेलिग्नेंट प्लाज्मा सेल्स ग्रोथ विद इन द बोन। ट्यूमर बन जाता है और वो मेलिग्नेंट हो जाता है प्लाज्मा सेल्स के ग्रोथ करने पर, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं इट इज़ मोर कॉमन इन मेल आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर। तो 40 साल के बाद में मेल कैंडिडेट में ज़्यादा देखने को मिलता है हमें। इसके बाद में हम देखते हैं इसके साइन और सिम्टम। साइन और सिम्टम में देखते हैं दोस्तों, पेशेंट रिमेन एसिम्टोमेटिक फॉर 5 से 20 ईयर। मतलब मल्टीपल मायलोमा होने के बाद में पेशेंट को 5 से 20 साल तक पता भी नहीं लगता है कि उसको मल्टीपल मायलोमा हो गया है। दूसरी बात इसमें देखते हैं सी आर ए बी इसकी देखते हैं फुल फॉर्म, कैल्शियम लेवल इंक्रीज कॉज रिनल कैलकुलाई। दूसरा आर का मतलब होता है रिनल इनसफिशेंसी, मतलब रिनल सिस्टम काम करना कम कर देता है, फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाती है किडनी की। और तीसरा है एनीमिया, जो कि मोस्टली एरिथ्रोसाइट हार्मोन सिक्रेशन कम हो जाता है किडनी में, उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है एनीमिया। उसके बाद में हम देखते हैं बोन लिजन्स विच कॉज इन पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। इसमें बोन में लिजन्स हो जाते हैं जैसे, और हमें देखने को मिलता है ऑस्टियोपोरोसिस, मेनली पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने का डर बना रहता है। उसके बाद में हम देखते हैं बोन पेन स्पेशली इन द रिब्स स्पाइन एंड पेल्विस। बोन पेन स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड रिब्स एंड पेल्विस बोन। उसके बाद में हम देखते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मतलब कि जो वाइट ब्लड से सॉरी प्लेटलेट्स है उसकी संख्या कम हो जाती है। तो प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है इंडिकेट करती है कैंसर होने को इंडिकेट करती है। उसके बाद में हम देखने को मिलता है ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया ये मोस्टली क्या होता है कि इसमें इनमेच्योर WBC का लेवल बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। उसके बाद में हम देखते हैं इसके डायग्नोसिस में पहला करवाते हैं एक्सरे। सो डिफ्यूज लिजन्स, मतलब लिजन्स बोन लिजन्स को शो करने के लिए। उसके बाद में देखते हैं डिमिनरलाइजेशन एंड ऑस्टियोपोरोसिस इन बोन, मतलब बोन का डिमिनरलाइजेशन होने लगता है, बोन में से कैल्शियम है वो बाहर निकलने लगता है और ऑस्टियोपोरोसिस और बोन में छेद होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इमेच्योर प्लाज्मा सेल्स इन बोन मेरो। इसमें इमेच्योर प्लाज्मा सेल प्रेजेंट होती हैं बोन मेरो के अंदर। इसके बाद में हम देखते हैं आगे ये जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये देखना बेंच जोन्स प्रोटीन इन यूरिन एबनॉर्मली ये एक प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन है जो एबनॉर्मली इम्यूनोग्लोबिन कॉल्ड बेंस
एक्सोन्स प्रोटीन जो कि मोस्टली हमें ये देखने को मिलती है इम्यूनोग्लोबिन स्पेशली, और ये यूरिन में देखने को मिलती है, ये मोस्ट ध्यान रखना। उसके बाद में हम इसका मैनेजमेंट करते हैं। पहला मैनेजमेंट है कीमोथेरेपी, उसके बाद में रेडिएशन थेरेपी, और तीसरा है स्टेरॉयड थेरेपी। इसमें स्टेरॉयड ड्रग्स दी जाती है। उसके बाद में करते हैं अगला मैनेजमेंट, इसमें देखते हैं हम इंक्रीज द इनक्रेज टू टेक इंक्रीज फ्लूड फ्लूड इंटेक इंटेक टू इंक्रीज एक्सक्रेशन ऑफ कैल्शियम यूरिक एसिड। मतलब इसमें ऐसी ऐसी डाइट या ऐसे फ्रूट्स वगैरह देते हैं इसके कि जिससे कि इसमें बनने वाले कैल्शियम को बाहर निकाला जा सके और यूरिक एसिड को बाहर निकाला जा सके। तो ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक हुआ पूरा अपना मल्टीपल मायलोमा, और इसके बाद में हम देखते हैं दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर प्लीज़ किसी ने ये चैनल हमारा लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नए नए वीडियो देखने के लिए घंटे को बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।